स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में और अब हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग जिसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में द रिस्पोंडेंट्स डज नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन यानी कि हम कह सकते हैं कि जब आप पॉपुलेशन से uh, जो है सैम्पल ड्रा करते हैं तो जो पॉपुलेशन एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल चांसेस ऑफ लेक्शन नहीं मिलता यानी उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्शन सिमिलर नहीं होती हर पॉपुलेशन uh, एलिमेंट की एंड दिस टेक्निक इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर एज वेल यानी इट्स इंटायरली डिपेंड ऑन द रिसर्चर कि वो किसको सेलेक्ट करता है एंड व्हेन वी कंपेयर इट विद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो ये साइंटिफिक uh, है उसके मुकाबले में प्रबिलिटी साम्पलिंग कब यूज़ की जाती है वन यू डू नॉट इंटेंड टू जनरेट रिजल्ट जनरलाइज टू द इंटायर पॉपुलेशन जब आपका मोटिवेशन ये नहीं है एजेंडा ये नहीं है कि आपकी स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपने पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करना है व्हेन द पॉपुलेशन इज़ हिडन और डिवियन जब आपकी पॉपुलेशन रेडिली अवेलेबल नहीं है वो एक हिडन पॉपुलेशन है या डिवियन पॉपुलेशन है

सैम्पलिंग uh, है ही बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव तो जब आपका रिसर्च डिज़ाइन क्वालिटेटिव इन नेचर है तो यू डेफिनेटली गो फॉर द नॉन रैंडम सैम्पलिंग और सम टाइम इन अप्लाइड रिसर्च यू आल्सो फॉलो द नॉन रैंडम सैम्पलिंग इन ऑर्डर टू कम्पलीट योर प्रोजेक्ट इन अ टाइमली मैनर अगर हम कंपेरिजन करें नॉन रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग का तो रैंडम सैम्पलिंग जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल ही रैंडमाइजेशन है जबकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है वो सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर के ऊपर होती है अब एक रिसर्चर कितना अच्छा है अपनी जजमेंट में तो उसका डिसीजन जो है वो मैटर करेगा कि उसका सैम्पल वो कितना अच्छा ड्रा कर सकता है जबकि रैंडम सैम्पलिंग में ये रिसर्चर का प्रोगटिव ही नहीं है ये तो रैंडमाइजेशन से आपका सैम्पल आएगा एंड अगर हम देखें तो उसमें रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है और नॉन रैंडम में इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव है ये और इसमें प्रोबेबिलिटी सिमिलर नहीं होती जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें सैम्पलिंग बायस कम होता है जबकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जो है वो सैम्पलिंग बायस ज़्यादा हो सकता है रैंडम सैम्पलिंग इज़ यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन इज़ डाइवर्स एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज़ यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन हैज़ सिमिलर ट्रेट यानी एक होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग इज यूज टू क्रिएट एन एक्योरेट सैम्पल नॉन रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट एक्ूरेटली रिप्रजेंट द पॉपुलेशन तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग पे हमेशा ये जब हम अगर सर्वे रिसर्च में इसको यूज करें तो ये क्वेश्चन होता है कि इसके रिजल्ट कैसे जो है जनरलाइजेबल टू द पॉपुलेशन है एंड रैंडम सैम्पलिंग फाइंडिंग द राइट रिस्पोंडेंट इज़ नॉट ईजी हम रैंडमाइजेशन के थ्रू जब रिस्पोंडेंट सेलेक्ट करते हैं तो फिर उनसे कांटेक्ट उनसे उनको लोकेट करना और उनसे डाटा लेना एक मुश्किल काम है जबकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग में फाइंडिंग रिस्पोंडेंट इज़ इजी एज़ कंपेयर टू द रैंडम सैम्पलिंग तो ये एक ओवरव्यू है नॉन रैंडम और रैंडम सैम्पलिंग का और अब हम देखते हैं कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग की आ, कौन सी टाइप है नॉन रैंडम सैम्पलिंग की बेसिकली एट टाइप्स हैं पपसिव कन्वीनियंट सिक्वेंशल कोटा थ्रेटिकल स्नोबॉल डिवियन केस और अडाप्टिव इन तमाम सैम्पलिंग जो टाइप्स हैं इनके ऊपर हम वन बाय वन हम अपने आने वाले मॉड्यूल्स पे बात करेंगे कि कैसे पर्पसिव और कन्वीनियन सैम्पलिंग एक दूसरे से डिफरेंट हैं सिक्वेंशल सैम्पलिंग क्या है कोटा और थेरेटिकल सैम्पलिंग में क्या फ़र्क है या कोटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या फ़र्क है डिवियन केस सैम्पलिंग एक्चुअली क्या होती है और अडाप्टिव सैम्पलिंग क्या है तो हम जो अपने का अपकमिंग मड्यूल्स हैं इसमें इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे